हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ रेकी के बेनिफिट्स के बारे में। रेकी के क्या क्या फ़ायदे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रेकी क्यों करें, रेकी क्या क्या कर सकती है हमारे लिए। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। तो रेकी के फ़ायदों के बारे में जानना अति आवश्यक है कि रेकी क्यों, हर घर में एक रेकी का चैनल होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। और जितने भी रेकी मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स को मैं जानती हूँ, सब लोग यही चाहते हैं कि रेकी घर घर पहुँचे। पर हम जान लेते हैं रेकी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो रेकी जो है हर लेवल पे काम करती है, मेंटल, इमोशनल या फिजिकल। तो कोई भी अगर बीमारी हो, मैं ये दावा नहीं करती हूँ कि आप रेकी पे डिपेंडेंट हो जाएं और डॉक्टर के पास ना जाएं और फिज़िकल हीलिंग सब कर देता है। आप डॉक्टर के पास इलाज कराते हुए साथ में अगर रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो एनहांस करता है आपकी पावर्स को, आपकी हीलिंग पावर को, आपकी बॉडी की जो नेचुरल पावर्स हैं वो एनहांस हो जाती हैं। आप जो है जल्दी ठीक हो जाते हो और जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, तो आप साइड इफ़ेक्ट से बच जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक कैंसर पेशेंट की हीलिंग कर रही थी, तो वो ट्रीटमेंट लेती थी कैंसर का, तो जो रेडिएशन से जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, बालों को झड़ना और अगली लुक देना, एक बॉडी सिकुड़ जाती है क्योंकि बॉडी के सेल्स मर जाते हैं जब आप रेडिएशन ले रहे हो, तो कीमोथेरेपी ले रहे होते हो। तो जो रेकी थी उसने उनकी स्किन को बहुत ही ब्यूटीफुल रखा, उनका फेस बहुत ब्यूटीफुल रहा, बाल नहीं झड़े। हम लेडीज़ को अपने बाल बहुत प्यारे लगते हैं, राइट? एंड आजकल लेडीज़ में देखा जा रहा है कि कैंसर इंक्रीज होता जा रहा है, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, सिस्ट हो जाते हैं, एंड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट बॉडी कुमला जाती है। जो इतनी ब्यूटीफुल लुकिंग बॉडी है वो कुमला जाती है, तो वो बॉडी ना कुमलाए, तो उसके लिए अगर ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट और इवन बिफोर, जब आपको पता है कि ऑपरेशन होने वाला है, उससे पहले अगर आप ये ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं रेकी का, तो आप जो है जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं, मेंटली और इमोशनली फिट हो जाते हैं, एंड यू कैन लिव अ हेल्दी हैप्पी लाइफ। और उसके बाद दोबारा जो चांसेस होते हैं रीअकर होने के, वो नहीं होते, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने कैंसर के कई पेशेंट्स को ट्रीट किया था, एंड उससे पहले भी 10-15-20 साल पहले जो कैंसर के पेशेंट्स को हमने ट्रीट करा है, उनका कैंसर लौट के नहीं आया, थैंकफुली। तो आप जो है बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज कर देते हैं और उसकी बॉडी रिपेयर में बहुत मदद करती है रेकी हीलिंग। तो फिज़िकल लेवल पे रेकी बहुत काम करती है। आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं, अगर उस समय ट्रीटमेंट के साथ अगर हम रेकी हीलिंग एड ऑन कर देते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट बहुत क्विक होता है। आईसीयू पेशेंट्स के लिए रेकी हीलिंग ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हो गई फिज़िकल लेवल पे जो बीमारियां होती हैं आम डे टू डे लेवल पे। दूसरा है जो लोग आजकल डील कर रहे हैं, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन और स्ट्रेस रिलेटेड एंग्जाइटी, ये एक आम बात हो गई है। और ये मैं देख रही हूँ 8-10 साल के बच्चों में आने लगे हैं, क्योंकि देर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन परफॉर्मेंस, ऑन डूइंग इट राइट, हर तरीके से एक परेशानी वाला माहौल बना दिया है हमने बच्चों के ऊपर। बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप, बड़े से लेके हर व्यक्ति के ऊपर स्ट्रेस है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब वाला इस स्ट्रेस, फियर और इनसिक्योरिटी में रहता है मेरा जॉब ना चला जाए। और जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे भी बॉस का प्रेशर होता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको डोमिनेट कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें, वारदातें बहुत दिल को सुकून नहीं देती, परेशान रहते हैं। तो आप उस परेशानी से निकल के आ सकते हैं, अपनी मेंटल और इमोशनल हीलिंग कर सकते हैं। आप अपने को मेंटली एंड इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो जो पैनिक अटैक्स हैं या एंग्जाइटी और फियर्स हैं, तो इनसे आप निकल के आ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत मदद करती है, पैनिक अटैक्स, फियर्स और डिप्रेशन, ऐसी चीज़ों में रेकी का ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। और फिर आता है रिलेशनशिप्स के लिए, एक बहुत बड़ी समस्या है रिलेशनशिप। आजकल रिलेशनशिप में तनाव, मियां बीवी में तनातनी, लड़ाई झगड़े, सबसे ज़्यादा हस्बैंड वाइफ जो है दे आर गोइंग थ्रू बैड टाइम्स। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में नहीं बनना, बार बार डिच करना एक दूसरे को,
तो ये भी एक ट्रॉमा क्रिएट कर देता है बच्चों की लाइफ में, एडल्ट्स की लाइफ में। तो इससे डील करने के लिए बहुत अच्छा जो है रेकी जो है हेल्प करता है, रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाता है। तो ये रेकी का एक अलग बेनिफिट है जहाँ पे आप रिलेशनशिप्स को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग्स हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है, हम अकेले तो रह नहीं सकते, रिलेशनशिप अच्छे होंगे तो हम खुश रहेंगे। और तीसरा है, चौथा है कि आप बच्चों को, जो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, जिनका स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उनको बच्चों को स्टडीज़ के लिए भी मोटिवेट कर सकते हैं थ्रू रेकी। रेकी उनकी मेमोरी पावर को एनहांस करता है। मैं आपसे रिजल्ट अगर शेयर करने बैठूं या बेनिफिट्स शेयर करने बैठूं तो मतलब पूरा दिन कम है रेकी के बेनिफिट्स के बारे में बात करने में। लोगों को कुछ भी अगर वो उनको किसी जजमेंट के लिए हीलिंग करवानी है, कोई उनका कोर्ट केस चल रहा है, तो रेकी उसमें उनको पावर भी करती है। एंड लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन देम विनिंग केसेस आल्सो। तो लोग जिस तरह से वो एस्ट्रोलॉजी में उपाय ढूंढते हैं, इस तरह से रेकी हर हर बीमारी का, हर प्रॉब्लम का उपाय है। तो दोस्तों जल्द से जल्द जिन लोगों ने रेकी नहीं सीखी अपनी फैमिली के लिए, वो आप सीखें और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस। थैंक यू।